आज आपको ये देख लें, ये फाइकस है, इसको कहते हैं फाइकस। इसकी कई किस्में हैं फाइकस की। आज हम इसको आपको चेंज करना दिखाएंगे कि छोटे गमले से बड़े गमले में किस तरह चेंज करते हैं। अभी ये देख लें, ये बड़ा गमला मांग रहा है, यहाँ खुली जगह दे दें। अभी इस गमले में हम चेंज करेंगे, आपको मैं चेंज करके दिखाऊंगा। अब ये देख लें, इसकी गाची बनी हुई है, जड़ें इसकी बाहर आ रही हैं। इस पर थोड़ी सी और मिट्टी डालेंगे, इसमें खाद मिट्टी मिक्स है। अब ये देखें, ये लगा दिया हमने इस पर, इसको सीधा रखना है और ये मिट्टी डालना है। ये हमने मिट्टी डाल दी, साइडों से इसको दबाना है, अच्छी तरह प्रेस करना है। और गमले के नीचे वाली साइड पे इसको ज़रा ज़्यादा दबाना है, ये इतनी और थोड़ी मिट्टी डाल देंगे ताकि पानी अगर पड़े तो मिट्टी बैठ जाएगी। बस ये हमने चेंज कर लिया। हमने इसको अभी देख लें, आपके सामने बड़े गमले में शिफ्ट किया है। इसका ये फ़ायदा है, इसमें पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, ठीक है, और प्यारा पौधा लगेगा। और आप देख रहे हैं अब जिस तरह पत्ते अभी निकल रहे हैं, अब ये पत्ते निकलेंगे बिल्कुल गोल, पौधा बन जाएगा और दूर से खूबसूरत लगेगा। और इसमें इसको खुराक भी भरपूर मिलेगी और काफ़ी टाइम चलेगा ये, तकरीबन साल दो साल इसको बड़े गमले में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लें, ये गमला है इसका, अब ये पौधा हमने लगाया। अब ये इस तरह बेशक आप डंड स्टिक वगैरह लगा दें ताकि सीधा हो जाए, अब ये सीधा हो जाएगा और ये गमला पूरा कवर कर जाएगा। अभी साल दो साल इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और कटिंग के ये कटिंग आप लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, क्योंकि आप आजकल पौधे कटिंग से भी खुद भी हम तैयार कर सकते हैं, आप लोग भी तैयार कर सकते हो। कटिंग लगाना मुश्किल काम नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना पड़ता है कलमों वगैरह का, कि कलमें सही कटी हैं कि नहीं कटी। कटिंग आप जितनी मर्ज़ी लगाएं आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि कटिंग लगाने से पौधे बनते हैं। अगर आप 10 लगाते हैं, इंशाल्लाह 8 या 9 लाजमी चलेंगे।